Hey, what's good on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video of GTA 5 guys. And आज हम लोग आप लोगों के लिए दोबारा से लेके आ चुके हैं एक और नया face to face challenge. And guys, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहला checkpoint पीछे ही दिया है भाई लोगों ने. तो भाई यार देखो, मेरे को बताया भी नहीं भाई आपने और checkpoint भी ले लिया bro. अरे तो तू उधर किधर जा रहा है? तू गाड़ी घुमाना bro. अरे यार भाई ये बहुत ज्यादा पानी गिरा दिया इन लोगों ने, रैंप के ऊपर गाड़ी फिसलते जा रही है bro. All right, guys, chop सामने से आ रहा है एंड ये गया पहला टक्कर सीधा पानी के अंदर. और भाई ड्रिफ्ट देखा तुम लोगों ने, इसको कहते हैं गाइस 360 डिग्री सुपर इनसेन ऑसम ड्रिफ्ट. ओके, बहुत ज्यादा लंबा नाम था. इनफैक्ट नाम को छोड़ो, काम पे ध्यान दो दोस्तों. अबे ये क्या दे दिया भाई, ये तो बहुत अजीब सी गाड़ी है. एक तो ये इतनी स्लो है गाइस, ऊपर से यार यहाँ पर इतना बड़ा डिजाइन है इस गाड़ी का. आई एम प्रीटी श्योर कि हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं मेरी गाड़ी में ज्यादा पावर है या फिर चॉप की. भाई भैया बगल से निकल गए ब्रो. अरे क्या मैं करते रहता है भाई. देखो मैं तुम्हारे चक्कर में पीछे देख रहा था, आगे से निकल गया. थोड़ा हटाओ भाई, इसको जाने दो, हम लोग जाते हैं दूसरी गाड़ी लेते हैं, है ना. ये टेस्ट तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने वेट किया ना चॉप के लिए तो बहुत लोचा हो जाएगा गाइस. ऑलराइट, तो सामने है हमारे अपने अगले चेक पॉइंट, और चलो फटाफट से गाड़ी घुसाते हैं. एंड ये क्या हो गया दोस्तों, पुलिस कार में कन्वर्ट कर दिए गए हैं अपन लोग. लेकिन यार इतना तो मैं जानता हूँ पुलिस कार में बिल्कुल पावर नहीं होती है गाइस, बहुत कम ही गाड़ियां हैं जो पुलिस कार के सामने रुकने वाली है. ओ तेरी भाई इसके अंदर तो पावर है ब्रो. सॉरी तुम्हारी गाड़ी वीक है चॉप. अगर वो पुलिस गाड़ी से पीछे चली गई भाई तो आई एम प्रीटी श्योर गाइस वो गाड़ी बहुत वीक थी. तो भाई ऐसे मत बोलो यार, पुलिस की गाड़ी में भी बहुत पावर होती है ब्रो. आपको क्या लगता है चोरों को कैसे पकड़ते हैं ये पुलिस वाले? अबे चोर को तो भाई चार पांच गाड़ियां एक साथ रोकेंगी तो ऑफ कोर्स बंदा रुक ही जाएगा. और ये कौन सी गाड़ी मिल गई दोस्तों? ओ माय गॉड, देखने से तो लगता है गाइस बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट कार मिली है, लेकिन ये चॉप का बच्चा कुछ ज्यादा ही तेजी से आ रहा था. रुक तेरी ऐसी की तैसी, क्या बोल रहा था, पुलिस गाड़ी में पावर है, अब निकाल के दिखा गाड़ी. भाई अरे रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हो ब्रो? अरे रास्ता इसीलिए ब्लॉक कर रहा हूँ ताकि तुम्हें बता सकूं कि अगर चोर इस गाड़ी में भाग रहा होता तो पुलिस जिंदगी में कभी नहीं पकड़ पाती. ऑलराइट गाइस, बहुत एक्शन हो गया है, अब टाइम है थोड़ा सा रिएक्शन दिखाने का लोगों का, जब हम लोग एकदम सुपर स्पीड में चॉप के बगल से निकलेंगे. और वैसे यार मेरे को भाई नाक वाली गाड़ी या रैंप कार में से कुछ चाहिए भाई, ये वाहियात गाड़ियों में क्या करूंगा मैं, इसमें तो मजा ही नहीं है गाइस. फेस टू फेस चैलेंज का असली मजा तो जबरदस्त गाड़ियों में है. ओ भाई जबरदस्त का नाम लिया गाइस, तो यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक मिल चुके अपने को. और एक सेकंड रुको जरा, ये फाइटर जेट को अपन लोग नीचे गिरा सकते हैं क्या? लेट मी जस्ट चेक इट आउट गाइस. ओ नहीं, ये भाई यहाँ पे सिर्फ मॉडल खड़ा करके रखा है दोस्तों इन लोगों ने, और इसको आप चाहे कुछ भी कर लो नीचे नहीं गिरा सकते हो. तो भाई यार मॉन्स्टर ट्रक लेके आ रहा, थोड़ा थोड़ा रहम करना भाई. रहम क्या होता है दोस्त, रहम वहम मैं नहीं जानता हूँ, शांति से आओ मेरी गाड़ी के अंदर. अरे अरे भगता का है, हिम्मत है तो लड़ना चॉप के बच्चे. तो भाई लड़ तो मैं आपसे लूंगा, लेकिन आपकी गाड़ी मेरे ऊपर से चली जा रही है ब्रो. ओ तो तेरे को सही में लगता है तू नीचे गिरा सकता है? ऑफकोर्स फ्रॉस्ट भाई, आ जाओ, दो हाथ कर लेते हैं आपसे. अरे गाड़ी एक जगह तो भाई इसकी स्टेबल रहती ही नहीं है, चल नीचे नीचे चल. ओ तेरी नहीं, ओ भाई, ओ चॉप के बच्चे मेरे को मारने के लिए भाई देख रहे हो वहाँ से कोने से टैक्टिक लगा रहा है. अब क्या करेगा दोस्त, अपन लोग तो बाहर निकल गए, लेकिन अफसोस चॉप की गाड़ी अटक गई दोस्तों. भाई मैंने यहाँ पर एक बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया था ये सोच करके कि आपको गिरा दूंगा, लेकिन आपके पास तो मॉन्स्टर ट्रक है ब्रो. बोला था ना ब्रो कि मॉन्स्टर ट्रक में बहुत ज्यादा पावर होती है, तो पंगा लेने के पहले भाई थोड़ा सोच लेना चाहिए था. एनीवेज चलो अपन लोग अब गाड़ी बदल के यहाँ पर आ चुके हैं रैंप कार के अंदर, और रैंप कार से भी भाई ये फाइटर जेट नहीं गिरने वाली है. तो इन शॉर्ट कोई भी गाड़ी का इस्तेमाल कर लो, अनलेस एंड अनटिल भाई आपका ऑब्जेक्ट एकदम फ्रोजन नहीं है इस फाइटर जेट के जैसा, आप उसको नीचे गिरा सकते हो. बट भाई हमारे केस में वैसा नहीं है, तो चलो अब चॉप को नीचे गिराएंगे गाइज. और चॉप भाई मॉन्स्टर ट्रक लेके आया है, अब देखना ये है कि क्या इसको मैं उछाल पाऊंगा. ओ तेरे बहुत दूर, तो भाई बहुत दूर तक गया भाई, व्हाट इतना जबरदस्त छक्का मारा है मैंने, क्या ही बताऊं दोस्तों. अबे ये क्या मिल गया भाई? अरे आपको तो खटारा गाड़ी मिल गई ब्रो. अरे तुम्हारा मदद चाहिए दोस्त, ऐसे तो काम भी नहीं हो पाएगा अपना. रुको फ्रॉस्ट भाई, आ रहा हूं, आपको धक्का देने में मदद करूंगा मैं. अबे सामने से नहीं भाई, पीछे से चाहिए, क्या मजाक कर रहा है भाई ये बंदा. फ्रॉस्ट भाई रेडी हो जाओ, सामने से गाड़ी लेके आ रहा हूं भाई, अगर रास्ता खाली नहीं किया तो आपको उड़ा दूंगा ब्रो. अरे यार तुम भाई अपना अलग टैक्टिक लगाते रहते हो ब्रो. अपन लोग बोले ना भाई सीधा सीधा गाड़ी लेके जा रहे, जा रहे दो. देखो कौन सी गाड़ी लेके आ रही है, अबे दिखता भी नहीं इतनी दूर से. अरे रैंप का शिट भाई, नहीं इससे क्यों मार रहे हो यार? फ्रॉस्ट भाई अब क्या बताऊं भाई, आपने भी तो मेरे को मारा था ब्रो. अबे लेकिन तू सरवाइव कर गया था ब्रो. फ्रॉस्ट भाई आप कौन सा मर गए, आप भी तो सरवाइव कर चुके हो ना भाई. अबे ये कौन सा लॉजिक होता है भाई, मतलब मारना जरूरी है तुमको चाहे कुछ भी हो जाए. तो गाइस ये ट्रैक्टर्स तो भाई एक जमाना लगाएंगे लगता है उधर पहुंचने में, चॉप भी आ रहा है पीछे पीछे. तो एक काम करता हूँ मैं सीधा उस तरफ पहुंच के मिलूंगा, बहुत लंबा जर्नी होने वाला है दोस्तों. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुंच
चुके हैं इस पार, और इस पार में क्या खड़ा है मेरे यार, ओहो हो चेक पॉइंट। ओके ट्रैक्टर जो है चॉप के अभी भी पीछे है, तो गाइज अभी मौका है इसको नीचे गिराने का। रुक जा चॉप के बच्चे। अरे नहीं यार ये गाड़ी तो पावरफुल है भाई। बट भाई भले भंगार वाली ट्रैक्टर है लेकिन इतना याद रखना ब्रो इस गाड़ी में पावर अभी भी उतनी है भाई। अबे स्वैग मारते हुए निकल गया भाई, बताओ यार अपनी लिमोजीन नहीं रोक पाए भाई उसकी गाड़ी को, इतना पावरफुल था वो। इनफैक्ट मेरे को लगता है हम लोगों को थोड़ा सा स्पीड लेने का समय देना चाहिए था गाइस, क्योंकि एक्चुअली में हम लोगों की स्पीड काफी स्लो भी थी। बट खैर अब तो कभी जिंदगी में पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि भाई चॉप तो यार काफी क्लोज आ गया था। और उसको हटाते जल्दी से पहुंचते उस पार, क्योंकि गाइस चॉप अभी लेकर के आएगा लिमोजीन उस तरफ से, एंड हम लोगों को एक परफेक्ट गाड़ी चाहिए। अबे ड्रिफ्ट भी नहीं मारने देते हैं भाई, इतनी बड़ी गाड़ी को मैंने सोचा था गाइस ड्रिफ्ट मारते हुए एंट्री दिलाएंगे, क्या एकदम कूल वाली वाइब आएगी। ओ तेरी चरनोबोग मिल गई भाई, क्या बात है दोस्त, एकदम जबरदस्त गाड़ी मिली है गाइस। आ जाओ चॉप, क्या लेके आ रहे थे तुम? व्हाट भाई लिमोजीन के सामने आ रहा है, ये कौन सी गाड़ी ले ली भाई आपने? भाई इसकी गाड़ी का चटनी बना दिया दोस्तों, इसीलिए बोलता हूँ यार इसको अपना अपना जो औकात है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए भाई। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से पंगा ले लेता है, ऐसी छोटी छोटी पिद्दी पिद्दी गाड़ियां लेकर के इसको लगता है हम लोगों को रोक देगा। मतलब सोच रहे हो भाई ऊपर से चढ़ के निकल जाऊंगा तेरे। आजा आजा फिर से आजा। ये ले भाई आप तो हर बार फोड़ देते हो यार, एक बार तो बिना फूटे जा रहे दोस्त पास। भाई फूटेगी, ये 10,000 किलो की गाड़ी है, ये मिसाइल लॉन्च करने के लिए यूज की जाती है, तुम्हें सच्ची में लगता है तुम इसको रोक पाओगे? ऑलराइट गाइस मिसाइल लॉन्चर गाड़ी से सीधा रॉकेट कार में आ चुके अपन लोग। नाउ इट्स टाइम कि चॉप को नीचे गिराया जाए, चल नीचे। अबे ये तो नीचे गया ही नहीं भाई, कैसी वाहियात गाड़ी है भाई ये। बैटमैन तुम क्या कर रहे हो भाई, थोड़ी अच्छी गाड़ियां बनाया करो यार। चलो गाइस थोड़ा फिर से ट्राई करते हैं, लेट्स गो। और आई थिंक चॉप तो यार फिर भी उधर पहुंच जाएगा, लेकिन ये गाड़ी कैचअप करने के लिए बहुत सही है गाइस, क्योंकि इसके अंदर जो जेट बूस्टर फ्यूल जो भी लगा हुआ है ना उससे आप लोग जल्दी जल्दी रिचार्ज करके जल्दी जल्दी बूस्ट मार सकते हो। और चरनो बाग के बच्चे ये ले। अरे क्या निकला मैं दोस्तों, मेरे को तो लगा था गाड़ी फूट जाएगी लेकिन एकदम सीधा निकल गया। और ये देखो गाइस क्या गाड़ी मिली है, एकदम जबरदस्त जीप है ना। और अब चॉप देख रहा है मेरी गाड़ी के स्वैग के सामने, दोस्त तुम्हारी गाड़ी का स्वैग फीका पड़ गया भाई। व्हाट भाई ये लाल कलर की जीप लेके कहां आ रहे हो भाई, एकदम चमकता धमकता टारगेट लग रहे हो आप। अबे टारगेट के बच्चे, ओए ये क्या कर दिया मैंने भाई, इतनी तेजी से गाड़ी मुड़ाई है ना गाइस कि मेरी गाड़ी ड्रिफ्ट करके वापस वही आ गई। व्हाट भाई अब जाओगे कैसे बच करके बताओ भाई? अरे चला जाऊंगा ब्रो, तेरे चंगुल में नहीं फंसने वाला हूँ। ओ शिट ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये बात भाई ये तो हंटिंग कर रहा है। अबे नहीं भाई मार के ही दम लिया, लेकिन चलो गाइस हम लोगों ने अपने साथ इस चॉप को भी पानी में गिरा दिया, तो अब मेरे को बस जल्दी से भागना है। और निकलो 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 निकलो, अरे भैया पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है गाइस। तो भाई आप तो निकल गए ब्रो, अब क्या करूं मैं? अरे तू आना भाई आराम से, अपन लोग जा रहे हैं बस जीप लेकर के। और गाइस जीप की देखो स्पीड तो एक्चुअली उतनी ज्यादा तेज नहीं है, बट चलाने में भाई सबसे ज्यादा स्वैग जो है लॉस सैंटोस की गलियों में आपको एक ही गाड़ी दे सकती है और वो है जीप। क्योंकि भाई पुलिस को भी ऐसा सिस्टम रखना चाहिए था GTA 5 के अंदर कि वो लोग भी भाई जीप से पकड़ने आए तुमको, तब ना मजा आता भाई। और ये देखो गाइस ये क्या है भाई, नाक वाली ट्रक। ओके ओके तो सामने से गाइस चेर्नोबोग आ रही है एंड यहां से जा रही है नाक वाली ट्रक, तो देखते हैं कौन जीतता है। एक जोरदार टकरार के साथ यहां पर चेर्नोबोग को हम लोगों ने आसमान की ऊंचाइयों में उछाल दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त था। लेकिन अब देखना ये कि क्या चेर्नोबोग, अबे तू अपना यार स्टैंड एंगेज करके बैठा है नूब इंसान, भाई बहुत चालाक बंदा है भाई ये। भाई अरे कहां जा रहे हो भाई, बच के निकल गए आप तो। अरे तो बच के ही निकलना होता है दोस्त, मर के कौन निकलता है भाई। चलो गाइस अब जल्दी से चलते हैं फिनिश लाइन की तरफ, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है एंड वी नीड टू गो एएसएपी, सो लेट्स गो। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप लोग देख सकते हो भाई फिनिश लाइन यहां पर बहुत ही जल्द आने वाली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई चॉप को थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। अरे ये क्या लेके आ रहे हो दोस्त, तुम्हारे यहाँ तो भाई पूरा स्मोक ही स्मोक था। भाई टकराना मत, रैंप कार लेके जा रहे हो भाई, लेकिन मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है ब्रो स्क्रीन पे, क्या बात कर रहा है सच्ची में। हे भगवान उसकी पता है पूरी की पूरी गाड़ी यार स्मोक में ढक चुकी है, कुछ ग्लिच हो गया है गाइस उसके साथ एंड उसको लिटरली स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। वो बेचारा दो बार तो भाई अपने चलाते चलाते गाड़ी पानी में गिर गया। तो भाई सही बता रहा हूँ, इतना स्मोक स्मोक है, लग रहा है किसी ने स्मोक बॉम्ब मार दिया भाई मेरी गाड़ी के ऊपर। कोई बात नहीं दोस्त, अपने को वैसे भी यार ये वाहियात ट्रैक्टर दोबारा मिल चुकी है गाइस, मतलब जरूरी था भाई लास्ट में भी इस वाहियात गाड़ी को इंक्लूड करना। और ये क्या आ रहा है सामने से, ओरे भैया मॉन्स्टर ट्रक आ रहा है। भाई टेंशन
मतलब मैं आपको मार के पीछे नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा पीछे चले जाओगे, ऊपर से समय भी नहीं है ब्रो अपने पास इतना। थैंक यू दोस्त। आई थिंक ये चॉप का बच्चा जानता है कि इसको भी ट्रैक्टर ही मिलने वाली है, इसलिए ये भी तेजी से जा रहा है पीछे। ऑलराइट गाइस, जब तक चॉप आएगा ना अपन लोग आधा रास्ता पहुंच भी जाएंगे एंड ट्रस्ट मी बहुत ही जल्दी फिनिश लाइन हमारी कदमों में होगा दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। अभी क्या मिला है इसको? भाई बहुत तेजी से आ रहा हूँ, याद रखना दोस्त, बहुत उतना तेज भी गाड़ी भी नहीं मिली है ब्रो, एक स्पोर्ट्स कार मिली है मेरे को। ओ तो स्पोर्ट्स कार, अबे ये क्या है, इतनी स्लो क्यों आ रहा है भाई? भाई सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दूं, आपको दिक्कत हो रही होगी ना भाई। अबे 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 इतना चैरिटी क्यों दिखा रहे हो दोस्त, सब जानते हैं भाई तू डीएनएफ करने वाला, इसीलिए अबे अबे गिराने की कोशिश कर रहा था लास्ट में। खैर हटाओ ये कुछ भी करे अपने को, क्या भाई अपना तो चेक पॉइंट सामने आ गया है बिड़ू। और अरे दोस्त तुमको समझ नहीं आता, रैंप कार के सामने गाड़ी रोक रहा है भाई, हिम्मत देख रहे हो इसकी? भाई अरे लॉन्च पे लॉन्च किए जा रहे हो, मैं सोच रहा था भाई आपके साथ थोड़ा लड़ाई करूंगा लेकिन आपने तो भाई नीचे ही गिरा दिया भाई। अबे क्या बताऊं दोस्त, बहुत हालत खराब हुई पड़ी है, देख रहे हो हमारी रैंप कार भी भाई नीचे ही गिरने को एकदम आ रही है। ऑलराइट लेट्स गो गाइस, दोबारा यहां पर फुल स्पीड में निकलेंगे। अबे तुमको समझ नहीं आता भाई मेरे रास्ते में बार बार आ जाता है, अबे ये क्या हो गया? गाइस लेट्स गो भाई, अब वैसे भी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, अबे हटा दे भगवान के लिए भाई, नहीं इंटरेस्टेड हूं तेरी गाड़ी में। ऑलराइट सो गाइस, टाइम है वीडियो को लाइक करने का, जल्दी से 15,000 लाइक्स का एम रख रहा हूं, कंप्लीट कर देना। चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशंस ऑन करके, क्योंकि यार आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस बहुत ही जल्द मिल जाएगी। एनीवेज दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, और अगर आपको वीडियो पे देख के मजा आया कमेंट करो कौन सा आपका फेवरेट कार था। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।